13 सितंबर 2023 को WhatsApp ने एक ऐसा नया फीचर लॉन्च किया जो WhatsApp को और आपके बिजनेस को हमेशा के लिए बदल के रख देगा। WhatsApp ने लॉन्च किया WhatsApp Channels। Hey everyone, I'm really excited to kick off WhatsApp Channels starting today। आज इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने WhatsApp चैनल को ग्रो कर सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए कैसे यूज कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो WhatsApp चैनल की मदद से, कौन कौन सी ट्रिक स्ट्रेटेजीज है, मार्केटिंग किस तरीके से करना है और सारी चीज़ें जो आपको WhatsApp चैनल पे अपने बिजनेस को या फिर आपके नेटवर्क को, आपकी ऑडियंस को किस तरीके से WhatsApp पे ग्रो करें, इसके बारे में इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ लक्षित सेठिया, आप देख रहे हैं सोशल सेलर एकेडमी। मैं पिछले 5 साल से लोगों को WhatsApp मार्केटिंग के ऊपर एजुकेट करते आ रहा हूँ और अब WhatsApp ने ऐसी चीज़ निकाल दी है जिससे पूरा का पूरा ऑनलाइन बिजनेस का इकोसिस्टम पलटने वाला है। WhatsApp ने लॉन्च किया WhatsApp चैनल। WhatsApp चैनल आखिर है क्या? WhatsApp चैनल जैसे टेलीग्राम पे एक फीचर था जिसमें आप चैनल क्रिएट कर सकते थे, YouTube में आप अपना चैनल क्रिएट कर सकते हो, वैसे ही WhatsApp ने अपने खुद का चैनल बनाने का एक फीचर लॉन्च किया। Hey everyone, I'm really excited to kick off WhatsApp channels starting to... This is going to be an awesome way to get updates from the people and organizations we care. क्योंकि बेसिकली ग्रुप में हम बहुत सारे लोग को ला नहीं सकते, ग्रुप की एक लिमिटेशन है। ग्रुप पे लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि लोगों का नंबर दिखता है, लोगों की प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो सकती है ग्रुप में, इसीलिए सबसे पहले WhatsApp ने क्या किया, ग्रुप की लिमिट को कम किया। लेकिन असली में बिजनेस तो ग्रुप्स में ही होता था क्योंकि ग्रुप में ही लोग ब्रॉडकास्ट कर पाते थे। WhatsApp ने सबसे पहले ग्रुप की लिमिट इंक्रीज की, पहले 256 लोग ही खाली ग्रुप पे आ सकते थे। फिर WhatsApp ने लॉन्च किया WhatsApp कम्युनिटी, यानी कि आप मल्टीपल ग्रुप्स को एक सेक्शन पे ला के उसकी कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो और एक बार कम्युनिटी पे पोस्ट करने से आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा। अब इससे कोई भी आदमी 4-5 हज़ार लोग को तो इजीली पोस्टिंग कर सकता था, लेकिन दिक्कत या बोलना चाहिए WhatsApp के लिए अपॉर्चुनिटी है कि इंडिया में ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनको WhatsApp पे बहुत बड़े स्केल पे ब्रॉडकास्ट करना है और उनके लिए कोई तरीका नहीं है। हाँ, एक तरीका है WhatsApp API, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ जाता है। तो WhatsApp ने देखा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे, समझा कि भाई इसमें आगे तगड़ा बिजनेस बनाया जा सकता है, तो WhatsApp ने क्या लॉन्च किया, WhatsApp चैनल। अब WhatsApp चैनल को बनाना बहुत आसान है, जो आपका स्टेटस वाला आइकन है आपको उसको प्रेस करना है, वहाँ पे आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको WhatsApp चैनल के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑलरेडी WhatsApp ने क्या किया, पहले बहुत सारे लोग का चैनल खुद ही बनवा दिया लॉन्च करने के पहले ही, मतलब 13 सितंबर के पहले ही बहुत सारे लोगों ने अपने चैनल ऑलरेडी बना दिए थे, ये वेरीफाइड अकाउंट्स वाले। तो पहले बड़े लोगों को WhatsApp ने ले आया, अब यहाँ पे धीरे धीरे करके लोगों के पास ये फीचर आते जा रहे हैं और लोग अपने खुद का WhatsApp का चैनल बनाते जा रहे हैं। देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है WhatsApp चैनल। यहाँ पे आपको खुद का चैनल बनाना है तो चैनल वाले एरिया पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे प्लस का आइकन है वहाँ क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट चैनल। क्रिएट चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, चैनल का नाम लिखो, चैनल का आप जैसे प्रोफाइल आइकन होता है वो आप सेट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन डालेंगे और बस आपका खुद का WhatsApp का चैनल हो गया रेडी। अब इसमें आपकी लिंक भी मिल गई चैनल की, इस लिंक को आप जितना प्रमोट करोगे और जितने लोग आपको देखेंगे जो आपको रेगुलरली फॉलो करते हैं वो क्लिक करके आपके WhatsApp चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब तो क्या करेंगे, फॉलो ही करेंगे, और फॉलो करने के बाद जब भी वो स्टेटस पे जाएंगे और आपका कोई भी अपडेट आएगा तो ऊपर में आपका WhatsApp का चैनल उनको विजिबल हो जाएगा। अभी ये फीचर कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्यूचर का नहीं पता, हो सकता है पेड हो सकता है उसमें और कोई लिमिटेशंस आ जाए, लेकिन अभी अपने पास अपॉर्चुनिटी है कि इसका जितना हो सके उतना यूज़ करना है। आज मैं आप सभी को ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, मतलब अगर आप सही तरीके से WhatsApp को चैनल को यूज़ कर लिए तो आप हज़ारों लाखों लोगों तक अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को बेच सकते हो, पहुँचा सकते हो। WhatsApp जितना पावरफुल प्लेटफॉर्म कोई भी नहीं है। तो लॉजिक मैं आप सभी को बताता हूँ, जब भी WhatsApp कोई नया फीचर लॉन्च करता है ना तो उसका इंटेंशन ये रहता है कि उसका बेनिफिट हर किसी को मिले और तुरंत लोग अडॉप्ट कर लें। जैसे ही तुरंत लोग आएंगे तो क्या होगा, उस फीचर पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आएगी और ट्रैफिक एक बार आ गई तो फिर WhatsApp क्या करेगा, धीरे धीरे करके लिमिटेशंस डालेगा उसमें और चीज़ें कंस्ट्रेंट लगाएगा, हो सकता है मोनिटाइज भी करे कुछ तरीकों से, हो सकता है एड्स वगैरह भी आना वहाँ चालू हो जाए, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती है। तो इसीलिए हमारे पास अभी बेनिफिट क्या है कि नया फीचर लॉन्च हुआ है तुरंत उसमें क्रिएट करके तुरंत उसकी मार्केटिंग करना स्टार्ट की जाए। अब किस तरीके से करना है मैं आपको पूरा पैटर्न बता रहा हूँ। मैंने बहुत रिसर्च किया कि ये चैनल जो है आखिर क्या चीज़ है, किस तरीके से इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। मेरे को समझ आ गया कि भाई ये वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है और स्ट्रेटजी लगेगी और उस स्ट्रेटजी को अगर कोई फॉलो करेगा तो वो अच्छे लेवल का क्रिएट कर सकता है और मैं अपने बिजनेस के लिए ये खुद कर भी रहा हूँ, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। सबसे पहली चीज़, आपको अपने खुद का WhatsApp चैनल बनाना है।
व्हाट्सएप चैनल बनाओगे तो क्या मिल जाएगी आपको? व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। अब इस लिंक को आप जितना प्रमोट करोगे और जितने लोगों को ऐड करोगे, वो लोग ऐड होते जाएंगे आपके व्हाट्सएप चैनल पे। अब ये जितने भी लोग आपके व्हाट्सएप चैनल पे ऐड हो रहे हैं ना, ये डायरेक्टली कभी आपके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये कोल्ड ऑडियंस है, ये हॉट ऑडियंस नहीं है, ये आपकी टारगेट कस्टमर नहीं है। ये लोग आपके पास आए हैं आपका कॉन्टेंट देखने के लिए कि कितना एंगेजिंग है, और अगर एंगेजिंग रहा कॉन्टेंट तो आपका व्हाट्सएप चैनल सबसे ऊपर दिखेगा, सेम जैसा यूट्यूब के साथ होता है। और अगर आपका कंटेंट बेकार रहा या आप बेसिकली अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पोस्ट कर रहे हो, अपने नॉर्मल चीज़ें पोस्ट कर रहे हो, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट पोस्ट नहीं कर रहे हो, तो आपका व्हाट्सएप चैनल ना नीचे दब जाएगा, कभी किसी को नहीं देखेगा। लोग भले आपको फॉलो कर लें, भले आपके व्हाट्सएप चैनल में 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग आ जाएँ, लेकिन फिर भी आपको उससे कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। व्हाट्सएप चैनल के लिए आपको क्या करना है, अपना अलग से ही कॉन्टेंट पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा, जो स्पेसिफिकली आप व्हाट्सएप चैनल पे अपना डालो। याद रखो, ये कंटेंट वैसा नहीं होगा जैसा आप आज तक के बनाते आए हो, बिल्कुल नहीं। जब रील्स और टिकटॉक आए थे, तब लोगों ने शॉर्ट वीडियोस बनाना सीखा था, उसमें बहुत सारे लोग नए नए अपनी स्किल्स लेके आए थे। उसके पहले किसी को आता था क्या? नहीं आता था, सब यूट्यूब में लंबी लंबी वीडियो बनाते थे। सेम वैसे ही व्हाट्सएप चैनल का जो कॉन्टेंट होगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। हर एक कॉन्टेंट बहुत वैल्यूएबल होगा। हर एक कंटेंट में आपकी वीडियो या आप इमेजेस या प्रॉपर मैसेज का जो यूज़ कर रहे हो, वो बहुत वैल्यूएबल होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि लोग उसका इंतज़ार करें। अब व्हाट्सएप चैनल में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी, जिसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, वो है डिसिप्लिन। हम व्हाट्सएप ग्रुप हम सब बनाते हैं, उसमें क्या होता है, हर कोई चीज़ें पोस्ट कर रहा है। अगर हमने क्लोज ग्रुप भी बनाया है तो उसमें भी हम रेगुलर नहीं रहते, क्योंकि हमको पता है यार आगे वाला कस्टमर काफ़ी इंटरेस्टेड है, हम जब पोस्ट करेंगे वो चलेगा। लेकिन व्हाट्सएप चैनल पर ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप चैनल पे आपको होना पड़ेगा एकदम प्रोफेशनल, यानी कि हर दिन एक पर्टिकुलर समय में आपको वहाँ पोस्ट करना पड़ेगा, ताकि उस समय पे लोग आपके पास चैनल पे आए, व्हाट्सएप को पता चले कि यार आपके पास इस समय पे हर कोई आपका व्हाट्सएप खोल करके आपके चैनल पे आता है। तो व्हाट्सएप क्या करेगा, आपके चैनल को भी ऊपर लेके आएगा और लोगों को दिखाएगा। अभी देखो, व्हाट्सएप ना सिर्फ गिने चुने लोगों का चैनल ही सबको दिखा रहा है और उन्हीं में ही सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स आ रहे हैं। लेकिन आगे जाके क्या होगा, आगे जाके जब आप रेगुलर हो जाओगे और डिसिप्लिनड हो जाओगे, तब व्हाट्सएप को पता चलेगा कि यार ये डिसिप्लिनड है। और ये हम सब की अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। जब शुरू शुरू में रील्स निकला था और रील्स में लोगों ने जो नए नए रील्स बनाना चालू किए थे, वो देखो आज बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन गए हैं। मतलब ऐसे ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था। सबसे बड़ी चीज़ क्या थी पता है उनकी, उन्होंने सबसे पहले चालू किया था। और आप अगर आज सबसे पहले डिसिप्लिन तरीके से जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को चालू करेंगे, 110% आपको रिस्पांस मिलेगा। मैं क्या चीज़ रिसर्च करके बता रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और इनकी एल्गोरिदम, इनके पास्ट रिकॉर्ड, ये सब चीज़ को देखने के बाद बता रहा हूँ। अगर मेरा लॉजिक कहीं पे भी आपको खराब लग रहा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ। अब बात आती है कि चैनल को प्रमोट किस तरीके से करें। व्हाट्सएप की जो आपको लिंक मिल रही है ना, अपनी चैनल की लिंक, इसको आप बेसिक जो है तरीके से, जो आपकी कम्युनिटी है, आपके ऑलरेडी लोग हैं व्हाट्सएप पे, उनको प्रमोट करने के लिए सबसे पहले यूज़ कर सकते हो अपनी खुद की व्हाट्सएप की स्टोरीज़ में डाल दो, हर दिन डालो। आपके जो आसपास के लोग हैं जो अभी तक के आपसे व्हाट्सएप से कनेक्टेड है, वो सबसे पहले आपसे जुड़ जाएंगे। इसके बाद दूसरा तरीका है, अपने जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें वो लिंक शेयर कर दो एक बढ़िया से मैसेज के साथ, और बताओ कि उनको क्या अलग मिलने वाला है आपके व्हाट्सएप चैनल पे। वही चीज़ मत डालना, नहीं तो नहीं चलेगा। व्हाट्सएप चैनल में कम्प्लीटली अलग वैल्यू आपको देना है, एक पूरी थीम के साथ। तो इस तरीके से अगर आप पोस्ट करोगे, आपके ग्रुप में जितने भी लोग हैं, कम्युनिटी पे जितने भी लोग हैं, वो आ जाएंगे। तीसरी चीज़, और बाकी आपके जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे YouTube हो गया, जैसे Instagram हो गया, इन प्लेटफॉर्म पे भी आप अपनी WhatsApp चैनल लिंक पोस्ट करो, वहाँ से आपके पास लोकल ऑडियंस आ जाएगी। WhatsApp चैनल पे आप QR कोड से बहुत सारे लोगों को ला सकते हो, और ये ऐसी स्ट्रैटेजी है मतलब जिसमें अभी कोई भी वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन आप वर्क करोगे तो 100% रिजल्ट आएगा। एक वेबसाइट है QR कोड जनरेटर, आपको क्या करना है, अपनी व्हाट्सएप की लिंक जाना है, वहाँ पे पेस्ट करना है, आपका एक QR कोड बन जाएगा। ये वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। यहाँ पे आपका QR कोड बन गया। अब इस QR कोड को न्यूज़पेपर में, फ्लायर्स में, जितनी जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पे आपकी टारगेट ऑडियंस है, आप वहाँ पे चिपका दो। लोग आएंगे, स्कैन करेंगे, आपके व्हाट्सएप चैनल के साथ कनेक्ट होंगे, और फिर जो भी आपका कंटेंट आ रहा है वो देखना चालू कर देंगे। एक बार उनको आपके कंटेंट की लत लग गई तो हट नहीं सकते, जैसे आपको मेरी वीडियोस की लगी हुई है, आप हट नहीं पाते हो। अब जो दूसरा तरीका है वो है, इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो और उन इन्फ्लुएंसर्स को बोलो कि आप अपने इंस्टाग्राम पे जो लिंक पोस्ट होता है, जो लिंक वाली स्टोरीज में जो लिंक लगाते हैं,
वहाँ पे आपके WhatsApp चैनल की लिंक पेस्ट करें ताकि उनके Instagram से आपके WhatsApp चैनल पे लोग आए। और ये भी ज़बरदस्त टेक्निक है, बहुत अच्छी टेक्निक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका, WhatsApp चैनल पे आप पैसा खर्च करके भी पर सब्सक्राइबर्स को लेके आ सकते हो, और ये पॉसिबल हो सकता है Instagram और Facebook एडवर्टीजमेंट की मदद से। Instagram और Facebook एड्स में आपको अपने WhatsApp चैनल का प्रमोशन करना है। इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी चीज़ के ऊपर आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उसका एक अच्छा सा फ्लायर बनाइए, अपना एक बढ़िया सा क्रिएटिव बनाइए Instagram और Facebook एड्स में, और उसकी ऐड रन कर लीजिए। ऐड रन किस तरीके से होगी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके से Facebook एड्स कॉन्सोल होता है, इसको बोलते हैं Facebook एड मैनेजर। इस पे जाना है, सबसे पहले लॉगिन कर लेना है आपको अपने पेज से। जाने के बाद अब इसमें क्रिएट का ऑप्शन है, उसमें आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें Facebook पूछेगा भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इस ऑब्जेक्टिव में आपको ट्रैफिक सेलेक्ट कर लेना है। आप जैसे ही ट्रैफिक सेलेक्ट करोगे तुरंत वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि वही लिंक आपको कौन सी डालनी, मतलब कहाँ पे आपको ट्रैफिक रिडायरेक्ट करना है। आप दिन का जो भी है बजट डाल सकते हो, 400 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जो आपकी श्रद्धा उतना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अपनी टारगेटिंग सेट कर सकते हो जैसे बेसिकली एड्स होती है वैसी। नहीं आता अगर ये चीज़ तो मेरा एक बहुत अच्छा कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग फॉर ई कॉमर्स, उसको जाके देख लेना, उसमें मैं पूरा A to Z सिखाया हूँ कि Facebook एड्स कैसे चलाते हैं। अब जैसे ही वहाँ पे लिंक डालने का ऑप्शन आएगा, मतलब लोगों को किस लिंक पे रीडायरेक्ट करना है, वहाँ पे आप अपनी WhatsApp चैनल की लिंक डाल देना। अब इससे हुआ क्या, Facebook और Instagram पे जब आप एडवर्टीजमेंट चलाओगे हज़ारों लोगों को एड्स दिखेगी, लोग आपकी ऐड पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लोग वहाँ से आपके WhatsApp चैनल पे आएंगे, और WhatsApp चैनल पे लाने के बाद आगे क्या करना है आपको बताता हूँ। तो Facebook एड्स में पैसा डालो, कस्टमर्स की इन्फॉर्मेशन भी ले लो, और उनको लेके आ जाओ सीधा अपने WhatsApp के चैनल पे। WhatsApp चैनल पे बिजनेस कैसे ग्रो होगा, पैसा कहाँ से कमा पाओगे WhatsApp चैनल से, इसके बारे में बात करते हैं। WhatsApp चैनल पे जो अर्निंग का सोर्स है वो कम्प्लीटली आएगा आपका WhatsApp चैनल से। अगर आप कोई छोटे टिकट साइज का आइटम बेच रहे हो ना, तो वहीं पे ही आप अपना पेमेंट गेटवे वगैरह रख सकते हो, वहीं से ही कोई भी इंसान आपको पे कर सकता है। सपोज आपने 50 रुपये, 100 रुपये का कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाला, कोई ऐसा टेम्पलेट रखा, कोई ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट रखा है जिसको आप सेल कर रहे हैं, एक नंबर तरीके से सेल होगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं उसमें, और अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है और आप वहाँ पे अगर अपनी लिंक डालते हो तो बहुत सारे लोग खरीदेंगे। एक्टिव होना चाहिए आपका WhatsApp चैनल, क्योंकि जितनी जल्दी ये मार्केट में आए हैं मैं बता रहा हूँ 99% लोगों का चैनल ना डीएक्टिवेट, यानी कि पूरा का पूरा डेड होने वाला है। सिर्फ वही इसको मैनेज कर सकते हैं जो कंटिन्यूसली एक्टिविटी करते रहे, अच्छा कॉन्टेंट उस पर डालते रहे। अब जो चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि WhatsApp चैनल पर जो मैक्सिमम लोग आएंगे ना वो होगी कोल्ड लीड, यानी कि आपके फील्ड में इंटरेस्टेड तो होगी लेकिन बहुत बड़े साइज़ के प्रोडक्ट खरीदने में ऑनलाइन में थोड़ा सा डरेगी। उनको करना है पहले आपसे बात। बात करने के लिए आप उनको डायरेक्ट अपने पास WhatsApp पे भी नहीं बुला सकते क्योंकि आपके पास इतने सारे लोग हो जाएंगे, तो अगर ज़्यादा लोग नहीं है तो आप बुला भी सकते हो, लेकिन मेरी ये सजेशन है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको लोगों को बुलाना है अपनी WhatsApp कम्युनिटी में, चैनल से लोगों को बुलाओ WhatsApp कम्युनिटी में, और WhatsApp कम्युनिटी से लोगों को बुलाओ अपने डायरेक्ट सेल्स नंबर पे, जहाँ पे आप उनके साथ 1-to-1 चीज़ सेल कर सको और उनको अपना प्रोडक्ट सेल कर सको। तो इन शॉर्ट WhatsApp चैनल पे आप अपने कम्युनिटी की लिंक डाल दो कि खाली इंटरेस्टेड लोग ही उस पर ज्वाइन हो पाए, जो भी ज्वाइन होगा वो पहुँच जाएगा आपकी WhatsApp कम्युनिटी में। अब WhatsApp कम्युनिटी में आप उनको थोड़ा अलग लेवल का कॉन्टेंट दो, और वहाँ से आपको लोगों को रीडायरेक्ट करना है अपनी पर्सनल सर्विसेज में या फिर हाई टिकट साइज प्रोडक्ट पे। हाई टिकट साइज प्रोडक्ट मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिसकी कॉस्ट जो है वो 5-10 हज़ार रुपये से ज़्यादा चालू होती है और लोग उसको बातचीत करने के बाद ही खरीदना पसंद करते हैं। तो इस पर्सनल सेल्स के लिए मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि अपने पास एक अलग सा नंबर रखो जो जिसमें WhatsApp बिजनेस का अकाउंट हो, जिसमें खाली आपके सेल्स वाले लोग आएँ और वहाँ पर आपकी सेल्स टीम बैठे, सेल्स टीम सारी चीज़ें करे। और अगर ये भी नहीं हो पा रहा है तो यार WhatsApp API तो फिर है ना, WhatsApp API ले सकते हो ताकि आपकी पूरी सेल्स पूरी WhatsApp API पे हो जाए। वीडियो समझ आई, अच्छी लगी, अगर इन्फॉर्मेटिक लगी तो वीडियो को लाइक करना। कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, बेझिझक ये मेरा WhatsApp नंबर है, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हो। टाइम लगेगा लेकिन आपसे कनेक्ट हम ज़रूर करेंगे। और हाँ, इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए आप सोशल सेलर एकेडमी को सब्सक्राइब भी कर सकते हो।